अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने C++ के प्रोग्राम स्टार्ट किए थे और आज हम उसी प्रोग्राम जो हम पास पेपर से कर रहे थे, आज हम उससे दो अहम तरीन प्रोग्राम्स जो अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं वो करेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस दफ़ा जो पेपर हैं वो इंशाल्लाह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड हैं, तो अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर लें। और इस दफ़ा जो पेपर हैं वो मोस्टली पेपर प्रीवियस जो पेपर्स वाले थे, प्रोग्राम थे या क्वेश्चंस आते रहते हैं उनमें से उठाया जाएगा, इसलिए मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे ताकि आप लोगों को पास्ट पेपर के तमाम प्रोग्राम्स आते हों और अगर इनमें से पेपर आता है तो आप 100% उसको अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेम यही है कि आपको पास्ट पेपर के जैसे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह जो पास्ट पेपर में सवाल आते रहे वो मैं सारे आपको तैयार करवा दूंगा। तो आप ने इस चीज़ को सीरियस लेना है और इन प्रोग्राम्स को जो मैं करा रहा हूँ इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसको कॉपी पे सॉल्व करें। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें C++ इंस्टॉल कर लें और उस पर इसको सॉल्व करें। आज हम फिर अपना प्रोग्राम पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स आर इनपुट बाई यूज़र। आपको साइड्स दी हुई हैं, साइड्स आपको इनपुट लेनी है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। फार्मूला देखें तो आपको बताया गया है, फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। और एस मालूम करने के लिए तरीका भी बताया गया है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद अब राइट अ प्रोग्राम इन विच टेक टू वैल्यूज इन टू वेरिएबल्स एंड स्वैप देम। ये भी आपका प्रोग्राम दिया हुआ है कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, आपने इसको स्वैप करना है, ए में 10 आ जाए बी में 5 आ जाए। तो पहले हम यही प्रोग्राम कर लेते हैं स्वैपिंग वाला, उसके बाद हम साइड ट्राइंगल वाला करेंगे। तो टर्बो C++ इंस्टॉल आपके पास इंस्टॉल हुई है तो उसे ओपन कर लें। स्टार्ट करें, फाइल में आ जाएं, न्यू। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल्स, हेडर फाइल हर प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा है तो इनको अच्छी तरह से तैयार याद कीजिएगा, इनमें कोई गलती ना हो। अब पहले हम स्वैप वाला कर रहे हैं तो दो वैल्यू वेरिएबल ले लेते हैं, उससे पहले कलर स्क्रीन एक ए ले लेते हैं और दूसरा हमने बी ले लिया। सी आउट करते हैं, इंटर ए एंड लाइन कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में चला जाए और सी इन कर लेते हैं ए, फिर सी आउट करते हैं इंटर बी एंड एल कर लेते हैं, सी इन करते हैं बी। अब इनकी वैल्यूज का स्वैप करना है तो सबसे पहले इनको जमा कर लें ए के अंदर, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद बी में से ए में से बी की वैल्यू माइनस कर लें और उसे बी में स्टोर कर दें, ठीक है जी। अब ए में से बी की वैल्यू माइनस कर लें, सी आउट करें, आफ्टर स्वैपिंग ए एंड एल भी कर देते हैं, इस तरह फिर से आउट करें आफ्टर स्वैपिंग बी।
स्ट्रिंग ए बी, उसके बाद गेट सी एच आता है और लास्ट में हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब आर प्लस एफ नाइन करके कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल प्लस एफ नाइन करें, इंटर ए की वैल्यू में 45 इंटर कर देता हूँ, बी की वैल्यू में 32 इंटर कर देता हूँ। अब देखें ए में 32 आ गया और बी में 45 आ गया। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था स्वैपिंग का। इसमें मैंने किया क्या, जस्ट सिंपल तरीका इस्तेमाल किया। ए में सबसे पहले ए के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी, उसके बाद बी की वैल्यू के लिए मैंने ए और बी को माइनस कर लिया, फिर ए की वैल्यू के लिए ए में से दोबारा बी को नफी कर लिया, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो ये था, ये आसान तरीका है। पहले दोनों को जमा कर लें, फिर एक एक वैल्यू करके माइनस करते जाएं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ये था आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम। इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्वैप के नाम से। आपने इधर आके इसे सेव कर लिया करें, स्वैप। ओके, अब हम फाइल में दोबारा जाते हैं, न्यू प्रोग्राम ओपन करते हैं। अब हेडर फाइल्स हमारे पास पहले से लिखी हुई हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हम इस तरह से करते हैं कि इस जगह से प्रोग्राम को डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, अब हम करते हैं अपना ट्रायंगल वाला प्रोग्राम। ट्रायंगल की साइड्स हमने यूज़र से लेनी थी और उसके बाद एस फाइंड करना था, एस के बाद हमने एरिया फाइंड आउट करना था। तो फ्लोर ले लेते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि ये वैल्यू साइड जो हैं पॉइंट में आ सकती हैं, इसलिए हमने फ्लोर लिया। अब ए बी सी तीन वेरिएबल और एक वेरिएबल एस और एक वेरिएबल एरिया, ये हमने टोटल पांच वेरिएबल लेने थे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीन तो साइडें थी हमारी। एस मालूम करने के लिए जो एस का फार्मूला था, और एरिया मालूम करने के लिए जो एरिया का फार्मूला था। तो सबसे पहले हम आते हैं साइड को इनपुट ले लेते हैं, सी आउट इंटर ए। उसके बाद सी इन कर लेते हैं ए, फिर सी आउट इंटर बी। फिर से इन कर लेते हैं बी, फिर से आउट करते हैं एंटर सी, फिर से इन कर लेते हैं सी। अब पहले एस मॉम कर लेते हैं, एस का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। अब एस को प्रिंट आउट कर लेते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ एस इज, एस की वैल्यू और फिर एंड एल। ठीक है जी, उसके बाद आप एरिया का फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला था, स्केयर रूट। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, एस क्यू आर टी में लिख रहा हूँ तो देखिएगा एरर आएगी, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। ठीक है जी, उसके बाद ये आ गया, बल्कि एक ब्रैकेट हमारी खत्म काम हो रही थी तो वो भी हमने लिख दी। अब सी आउट कर देते हैं हम, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज, एरिया। अब देखिएगा ये जो मैंने एस क्यू आर टी लिखा है, इसकी मैंने हेडर फाइल नहीं कॉल की,
कि मैथ का फंक्शन था तो इसकी हेडर फाइल कॉल करनी थी, तभी तब एरर नहीं आई है। लेकिन अभी हमने क्योंकि कॉल नहीं की तो हम देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। देखिए एक एरर आया हुआ है, वो कहता है कि फंक्शन स्क्वेयर रूट शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप का मतलब है कि आपने इसकी हेडर फाइल्स को लिखना था जो आपने नहीं लिखा। अब हम जाते हैं जी इसकी हेडर फाइल को लिख लेते हैं। इंक्लूड कोनियो के नीचे ही मैथ की हेडर फाइल का नाम है इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है जी, अब आर प्लस एफ नाइन करें और कंट्रोल प्लस एफ नाइन करें। अब इंटर ए की वैल्यू वो मांग रहा है, हमने ए की वैल्यू इंटर कर दी 50, बी की वैल्यू हमने इंटर कर दी है 30, सी की वैल्यू हमने इंटर कर दी है 40, एस की वैल्यू आई है 60 और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हमारे पास 600। ठीक है जी, समझ आई इसकी। ये हमारा प्रोग्राम था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ। और ये आखिर में तमाम प्रोग्राम जब मेरे पास ये सारे प्रोग्राम्स बन जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये पूरी फाइल भी प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन आपने अभी याद करना है, इसको लिखना है, नोट करते जाना है ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये थे हमारे प्रोग्राम। इसके अलावा हम आज इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भी थोड़ी देर तक अपलोड कर देंगे, वो भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हाफिज़।